मुरादाबाद में बिजली विभाग की टीमों पर लगातार हमलों की संख्या में आज फिर एक घटना सामने आई है। मुरादाबाद के भोजपुर कस्बे में आज दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सब्जी मंडी निवासी अजय ने बिजली विभाग की टीम पर घरेलू गैस के छोटे सिलेंडर से ही हमला बोल दिया, जिसमें लाइनमैन मुनाजिर और जेई ललित कुमार घायल हो गए। दरअसल जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व की वसूली के लिए बिजली विभाग की टीमें अपना काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर जय ललित कुमार अपनी टीम के साथ भोजपुर कस्बे की सब्जी मंडी पहुंचे थे, जहां पर उपभोक्ता अजय बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। जय के अनुसार बिल जमा नहीं करने के कारण उसका मीटर पहले ही उतारा जा चुका है। बिजली चोरी की सूचना पर टीम आज पहुंची थी, उसने टीम पर हमला बोल दिया जिसमें टीम के कई लोगों को चोटें लगी हैं। हमने आरोपी अजय सहित कई लोगों के खिलाफ थाना भोजपुर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। घटना ये थी, आज जो है नगर पंचायत भोजपुर जो टाउन है वहाँ पे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजस्व वसूली संबंधित कार्य किया जा रहा था। इसमें एक जो उपभोक्ता है वहाँ पे हमारे श्री अजय पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह निवासी सब्जी मंडी भोजपुर के परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसके परिसर से पूर्व में बकाया होने के कारण मीटर उतार लिया गया था। और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वो उपभोक्ता डायरेक्ट पोल से केबल डालकर चोरी कर रहे थे। उस संबंध में उपभोक्ता से जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या बिल पेमेंट किया या नहीं किया, तो अचानक से उग्र होकर गाली गलौज करने लगे और पास में रखा एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर होता है, वो उठा के हमारे लाइनमैन के सिर पर मार दिया। इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और समस्त स्टाफ के साथ हाथापाई की, गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया। इसके संबंध में तहरीर हम लोगों ने थाने में दी है मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए और हम अपने लाइनमैन को यहाँ पे लेके आए इलाज कराने के लिए। हाँ, पूरी टीम के साथ अभद्रता हुई है और जो है हाथापाई की गई। ललित कुमार नाम है और मैं अवर अविंदा के पद पर कार्यरत हूँ विद्युत उपकेंद्र पीपल थाना पर। कितने लोग शिकायत किया? लगभग हम टीम में 10-12 लोग थे, पूरी टीम थी हमारी और हमने पूरे लगभग उसमें नामजद हैं अजय, उनकी माता श्री, उनकी पत्नी और दो अन्य जिनके हमें नाम नहीं मालूम।